देवी मैया के जय। अष्टमो अध्याय रक्त बीज बल। मैं अरिमा आदि सिद्धमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संगार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दे दी। वह बोला आज अदायुत नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दौहर्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुराश्रम इस आज्ञा को इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए अपनी प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुए। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अवोध्या के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकड़ पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान शिव की शक्ति गरुण पर विराजमान हो शंख चक्र गदा छंग और धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यह बारह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं वह भी बारह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंगी शक्ति भी नरसिंगी के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा भगवान आप शुम निशुम के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव धनुष एवं निशुम दाहिनी से कहिए साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दे दीजिए दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र की त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यह भाव का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के रूप में नियुक्त किया था इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे मादित्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे।
तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटकवार से उनका कछूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मा जी जिस जिस ओर दौड़ते उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के ब्रज प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्तधारा की बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए और के बारह ही शक्ति ने कितनों को अपनी थुतुन से मारकर नष्ट कर दिया। डाणों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूति के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसकी के समान उतने ही शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने ब्रश से रक्तबीज को मारा। ब्रश से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उससे शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनर्व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से वाराही ने कटक से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे ही निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देव चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पास से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस तावले से मुंह से खाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ना हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापद के देवी के तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वहीं पर मुंह पर चट कर दिया और उसे रक्तबीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था व्रज वाण खड़ग और रिष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य पृथ्वी रक्तबीज पृथ्वी पर गिर गया। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की उत्पत्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मत होकर उन्वत्सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री
मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी।